न्यासा देवगन स्टार किड्स के तौर पर काफी फेमस हैं, हमेशा ही पार्टीज और बर्थडे में देखी जाती हैं। सोशल मीडिया पे न्यासा काफी एक्टिव हैं और अपनी तस्वीरें फैंस के लिए साझा करती हैं। काजोल और अजय की बेटी को हमेशा ही सोशल मीडिया पे ट्रोल भी होना पड़ता है क्योंकि उनकी हरकतें ही ऐसी होती हैं। हाल ही में न्यासा देवगन को एक इवेंट में हिंदी में भाषण बोलते हुए सुना गया। इस दौरान न्यासा ने जो अपनी बात रखी वो उसको इतना अटक अटक कर बोल रही थी कि यूजर्स ने उनको आड़े हाथों ले लिया और खूब खरी खोटी सुनाई। वैसे देखा जाए तो न्यासा आगे पढ़ाई कर रही हैं, मगर सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल होते हैं। इसी बीच उनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो हिंदी बोलने की पूरी पूरी कोशिश करती दिखाई दे रही हैं। दरअसल बात ऐसी है कि न्यासा देवगन अहमदनगर के एक इवेंट में शामिल हुई थी। इस वीडियो में कहती हैं, जब मैं बच्ची थी तो पढ़ना मुझे बहुत पसंद था, मेरी माँ को भी पढ़ना बहुत पसंद था। जब मैं तीसरी क्लास में थी तो 2-3 किताबें पढ़ती थी। आपको पढ़ते हुए देखते हो जो मुझे इतना पसंद है, मुझे और भी खुशी है। और मुझे मालूम है कि आप पढ़ना कभी बंद मत करो क्योंकि आपके लिए इतना अच्छा होता है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और ऐसी टूटी फूटी हिंदी और बोलते देख फैंस को न्यासा पर गुस्सा आ रहा है। इस वीडियो को देख सोशल मीडिया पर यूजर्स नीसा को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। जब से मैं बच्ची थी मुझे पढ़ना बहुत बहुत पसंद था, मेरी माँ को भी मुझे बहुत पढ़ना पसंद था। मैं हर दिन 2-3 किताब पढ़ती थी। तो आपको देख के जो मुझे इतना पसंद है, मुझे और भी खुशी है। और मुझे मन होता है कि आप कभी पढ़ना बंद मत करो क्योंकि आपके लिए इतना अच्छा होता है।